ऑलरेड हे ही गाइज वॉट्सअप एवरीबडी आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में मेरा नाम है सारवेंद्र और आज मैं आपको एक फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल बताऊंगा जो मैंने अपनी रीसेंट पोस्ट की है उसके रिगार्डिंग में है ये वाली है और आज ही बहुत बंदों ने कहा था कि इसका ट्यूटोरियल डाल देना सो so, आज के आज ही मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा तो आप सब ज़रूर इसका जो भी एसेट है पी एन जी है वो ग्रुप में से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर अवेलेबल रहेगा आप लिंक से जा सकते हैं उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर अराउंड थर्टी टू थाउजेंड लोग पहले से ज्वाइन हैं तो आप भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं बस लिंक पर क्लिक करना है टेलीग्राम खुलेगा आपके के फोन में ऐप आप आपको इंस्टॉल करनी है और आप ये सारा एसेट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपनी ही ऐसी एक दिखने वाली पिक तो स्टार्ट करते हैं और अगर किसी को चाहिए हो कि लाइक अभी पीएनजी डाउनलोड करनी है तो एक डायरेक्ट लिंक होगी उसमें दो एड स्किप करनी होगी आपकी पीएनजी डाउनलोड हो जाएंगी ग्रुप में थोड़ा लेट पोस्ट करता हूं मैं ठीक है तो किसी को डायरेक्ट चाहिए होगा तो आप वहाँ जाके सपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड कर लेना अगर नहीं भी करना है तो बस क्लिक करके छोड़ देना उस लिंक पे ठीक है और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले यही वाली है पोस्ट ठीक है और लाइक सबके ड्रॉप हो चुके हैं आपको पता हो शायद एल्गोरिदम चेंज हो चुका है अगर आपको नहीं पता है इंस्टाग्राम का तो एल्गोरिदम पूरा चेंज हो गया है अब की बार से मतलब आ, अगर आप किसी की पोस्ट लाइक करते हैं और मान लो जैसे मैं किसी की पोस्ट देख रहा हूँ और लाइक नहीं कर रहा हूँ सेम वेज़ मेरे साथ भी होगा इंस्टाग्राम मेरी पोस्ट किसी और को शो नहीं करेगा सो होप बेटर है आप अकाउंट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि हाँ जैसी पोस्ट आएगी क्योंकि अगर आप किसी भी अपने लाइक फॉलोइंग uh, जिनको कर रहे हो फॉलो कर रहे हो और आप पोस्ट मिस कर देते हो तो इंस्टाग्राम थ्रू आउट आपका भी अकाउंट उससे मिस करवाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक रीच नहीं होएगी वहाँ पे ठीक है तो ये मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर ठीक है अपलोड जो भी है अब इसके बाद इसमें जो मेरे को डालना है वो है अपने आप को प्लेस करना है और पहले ये तो आप देख सकते हो यहाँ पैर के पास मेरे रेम है इसमें जो रेम रहेगी वो इसके ऊपर जाएगी बॉक्स के ऊपर तो आप उसे कट कर सकते हो ईज़ली और बॉक्स के ऊपर मैंने शेडो भी ड्रॉ कर रखी है तो बहुत लोगों ने शूज़ का बोला था कि ये शूज़ का कटआउट दे दीजिए तो मैंने इस बार इनबिल्टी रखा इसमें रिम भी कि आपको प्रॉब्लम ना रहे ठीक है तो ऐसे कुछ प्लेस होना है यहाँ पे ठीक है अगर आपको लाइक like एक्शन में क्लिक करना होता है थोड़ा सा ट्राई करें अपने पैरों को बैंड करके आप फ़ोटो क्लिक करें और किसी की हेल्प ले लें मैंने तो वैसे सेल्फ टाइमर का बहुत यूज़ करा है तो आप भी कर सकते हैं ट्राई ठीक है अब यहाँ पे एक गन है जो मैंने आर्ट स्टेशन से ले रखी है ठीक है इसको यूज़ करने के लिए आप पहले देख लीजिएगा अपना रेफरेंस फिर यूज़ करिएगा क्योंकि बहुत लोगों का बैन हुआ है अकाउंट तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है तो ऐसे लेग के पास आपको फ़िट करना है ये कहीं पे भी फ़िट हो सकता है ईज़िली मैंने इसके अंदर शेडो भी इन बिल्ट कर रखी है कि कहीं भी प्लेस करोगे अपने आप फिट हो जाएगा परफेक्ट फिट है लाइक बेल्ट पे कमर पे नहीं लगानी है सीधा पैर पे भी लगाना है तो भी परफेक्ट वर्क करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है अब मेनली है कि फ़ोटो में ब्लैंड होना चाहिए तो यहाँ से ये ब्लैंड है ठीक है ये आप इजीली पा सकते हैं और जस्ट जब आप ये देख रहे होगे कि ब्लैंड जब डाला है तभी कितना अच्छा लग रहा है वरना नहीं लगता ये इतना अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ डन करते हैं अब इसके कलर ग्रेडिंग की बारी है विदाउट कलर ग्रेडिंग ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको और इसके अंदर एक और चीज़ भी होगी अगर शायद मैंने मिस नहीं करा है शायद वो मिस हो गया है इसमें वो था आइज़ का था तो वो आप किसी भी पैक में से निकाल सकते हैं मैंने पहले बहुत सारे पैक अपलोड कर रखे हैं उनमें आइज़ का है हर बार सेम ही रहता है आइज़ मैं कभी चेंज नहीं करता वही आइज़ इसमें भी यूज़ हो रखी हैं लाइक ब्लू आइज़ होंगी यहाँ पे तो इसमें ब्लू नहीं है वो बस आप पिछले वाले किसी भी पैक को डाउनलोड करना है जिसमें ब्लू आइज़ दिख रही हो वहाँ से आपको मिल जाएगा फिर यहाँ पे इसमें कलर ग्रेडिंग है तो बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं डबल टोन लाइक डबल सेचुरेशन वाली टोनिंग करता हूँ तो एक बार इसको पूरा हाइप करके डन करके अभी मैंने कुछ छेड़ा नहीं है कुछ भी बढ़ता है मैं अभी नहीं छेड़ता सीधा यहाँ पे जब डबल टोन हो जाती है तब मैं करता हूँ यहाँ पे अब ये जो कलर आ रहे हैं ये बिल्कुल पॉप आएंगे और अच्छे दिखते हैं तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना क्योंकि मैंने ब्लैक पहन रखा है आप पे डिसाइड करेगा कि आपने क्या पेन रखा है क्योंकि मैं तो प्रेफर करता हूँ हमेशा ब्लैक क्योंकि उस पर रिम लाइट बहुत अच्छे से दिखती है और ड्रॉ भी आसानी से हो जाती है ठीक है थोड़ा क्लैरिटी रख के और शेडो को भी आप ओपन कर सकते हैं इसमें शेडो ओपन रहेगा तो थोड़ा सा फेस वेस अच्छा दिखता है लाइक like, और इसमें ज़्यादा हाई ना करें क्योंकि रिकवर कर रही है, है हमें यहाँ पीछे तो यहाँ पे ये सही लग रहा है मुझे और टेम्परेचर अपने हिसाब से शिफ्ट करें मैं हमेशा आपको कोल्ड कहूँगा क्योंकि इंस्टाग्राम का हमेशा लुक कोल्ड रहता है थोड़ा सा क्योंकि बहुत लोगों ने आ, ट्रू टोन और वो वाला मोड ऑन कर रहा होता है जिससे आँखों में दर्द नहीं होता है आई केयर वाला तो इसलिए आप थोड़ा सा हमेशा ब्लू की तरफ रखें अपनी फ़ोटो को क्योंकि उसके उनके फ़ोन में पता है फिर आपकी फ़ोटो अगर आप येलो रखते हो तो ऐसी दिखती है तो इस चीज़ का फ़र्क ज़रूर ध्यान रखें थोड़ा सा ऊपर करें यहाँ पे तो फ़ोटो बराबर दिखेगी आ, हमेशा ट्राई करें कि जो आपकी ऑडियंस है जैसे फ़ोन में व्यू करती है या कंप्यूटर पे व्यू करती है कई होगी तो वो ज़रूर ध्यान में रखें और वो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा अपनी फ़ोटो अपलोड के टाइम पे ठीक है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इस टाइम करने वाला विनेट आपको वहीं से अपलोड करने हैं यहाँ से नहीं करने है। मतलब इंस्टाग्राम का ही फीचर आपको यूज़ करके विनेट करना है तो यहाँ कुछ ऐसा रहेगा और ये पूरा था सो थैंक्स अलॉट आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक वॉच करा नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है और टेलीग्राम के भी लिंक है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड डायरेक्ट अभी पी डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट्स में ये मत लिखना कि लिंक नहीं वर्क कर रही है लिंक हमेशा वर्क करती है हंड्रेड वर्क करती है हर टाइम सो so, प्लीज़ जाएँ एंड डाउनलोड करें एंड लव यू ऑल